तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कंपटीशन इंडियू प्रतियोगिता और आम चाहे फिर प्रतियोगिता कोई भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए हम लोगों ने शब्द भेदक पढ़ लिया था और शब्द भेद के अंदर हमने जान लिए थे तत्सम तद्भव शब्द, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, सारे शब्दों की सारी क्वालिटी को हमने समझ लिया था बहुत अच्छे से, और अरबी फारसी और तुर्की शब्दों को याद करने की ट्रिक भी हमने देख ली थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसने ना देखा हो जाकर उसे देख सकता है। चलिए इसके अलावा हम शुरू करते हैं अब आज संज्ञा। अब ये जो चैप्टर है संज्ञा, ठीक है ना, असल में ये पूरा चैप्टर संज्ञा से लेकर अव्यय तक कहा जाता है, अव्यय, क्लियर है। अब इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है, ये सारा डिस्क्रिप्शन हम एक बार समझेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा संज्ञा, पर चैप्टर का पूरा नाम है संज्ञा से अव्यय तक। लेकिन संज्ञा को पढ़ने से पहले हम एक छोटे से शब्द को डिस्क्राइब करेंगे कि शब्द क्या होता है। वैसे शब्द भेद में हम इस बात को जान चुके हैं शब्द क्या होता है, लेकिन अब हम शब्द को एक दूसरी नज़र से देखेंगे और समझेंगे कि शब्द क्या है। देखिए जब तक कोई भी एक पर्टिकुलर शब्द, जब तक कोई भी शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है तथा वाक्य के बाहर होता है, वह शब्द कहलाता है। वो क्या कहलाता है? शब्द। देखिए जब भी कोई शब्द स्वतंत्र रूप से यूज हो रहा है तब तक वो क्या कहलाएगा? एक शब्द कहलाएगा। लाइक दैट मैंने लिखा एक शब्द मूल्य, ठीक है ना, मैंने लिखा एक शब्द मूल्यवान। तो ये इस समय क्या है प्यारे बच्चों? ये इस समय शब्द हैं दो अलग अलग, पर अभी परिभाषा आगे चलाते हैं और लिखते हैं, जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है, तब ये शब्द पद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। अब यह वस्तु मूल्यवान है। अब ये मूल्यवान शब्द क्या हो गया? पद हो गया। अभी ये शब्द ये क्या था? ये अभी शब्द था। क्यों? क्योंकि इसका यहां पर प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो रहा था, ये किसी वाक्य के अंदर नहीं था, अभी वाक्य के अंदर आ गया तो क्या बन गया? एक पद बन गया। इस वस्तु का क्या मूल्य है या फिर इस वस्तु का मूल्य क्या है? तो ये मूल्य इस समय क्या है? ये मूल्य इस समय बच्चों पद है, लेकिन जब ये स्वतंत्र रूप से अलग लिखा हुआ है तब ये क्या है? तब ये आपके लिए शब्द है। तो आई होप से ये शब्द की जो बातें हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अभी चलते हैं आगे की ओर, लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि पद के कुछ भेद होते हैं। जो हमने ये सीखा कि पद कहलाते हैं, तो पद के कुछ भेद होते हैं जिनके आधार पर ही ये संज्ञा से अव्यय तक का चैप्टर बना हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम जानेंगे पद के भेद। क्या जानेंगे हम? पद के भेद मतलब पद कितने प्रकार का हो सकता है या पद कितने कितने प्रकार के आपके पास अवेलेबल हैं। तो आपके पास कुल मिलाकर 5 प्रकार के पद होते हैं। कुल कितने प्रकार के पद हैं हमारे पास बच्चों? हमारे पास हैं 5 प्रकार के पद। आइए क्या नाम है सर उन पदों के? उन पदों के थोड़े से नामों को व्याख्या कर लेते हैं और समझ लेते हैं। नंबर 1 पर आता है पद संज्ञा। क्या आता है? संज्ञा। अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बात करते हुए चलेंगे, लेकिन आज जो टॉपिक चलेगा वो संज्ञा ही चलेगा। संज्ञा क्या होता है? परिभाषा तो बचपन में बहुत पढ़ी होगी, किसी भी वस्तु या स्थान के नाम को
संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। समझना, इन शॉर्ट कि किसी भी नाम को संज्ञा कह सकते हैं। इसका मतलब इससे सीधा सीधा किससे है? किसी भी नाम से है। अब वो नाम चाहे किसी प्लेस का हो, व्यक्ति का हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम बात कर लेंगे किसी भी नाम की, हमने एक नाम लिख दिया यहाँ पर कोई भी, मुकेश, या कोई और नाम लिख देते हैं, लिख दिया प्रिया, कोई एक नाम लिख देते हैं, हमने शहर का नाम लिख देते हैं मुरादाबाद। ये क्या है? ये सब नाउन है, ये क्योंकि नाम है किसी के। ठीक है, अगर मैं यहां लिख दूं लड़का, तो ये भी क्या है? नाउन है। पर ये नाउन के अंदर पढ़ेंगे कि कैसा नाउन है, क्लियर है? तो किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नंबर दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है जिन नामों का प्रयोग, या फिर जिन शब्दों का प्रयोग, लिख देते हैं ज्यादा सुटेबल रहेगा, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, वे सर्वनाम होते हैं। वे सर्वनाम होते हैं। नंबर तीसरे पर आ जाएगा। देखिए, जो हमारे पद के भेद हैं वो यही हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। ये हमारे क्या हैं? पद के भेद होते हैं। तो अगले नंबर पर हम देख लेते हैं विशेषण को। विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे क्या होते हैं? हमारे विशेषण होते हैं। ये सब टॉपिक होंगे, बहुत ही डीप तरीके से पढ़ाए जाएंगे, परेशान नहीं होगा कोई भी कि क्या लाइन लिखा कर छोड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, मतलब कि कैसे, समझ लेते हैं। पहले तो ऊपर वाला सर्वनाम को ही देख लेते हैं। राम बाजार गया या राम स्कूल गया, वहां उसने पढ़ाई की। अब देखो, हमने लिखा राम स्कूल गया, अब यहां पे लिखा उसने, तो ये उसने किसके स्थान पर आया? राम के स्थान पर आया। हम यहां पर उसने लिख के किसकी बात कर रहे हैं? राम की। तो यहां से पता चला कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता, तो किसके स्थान पर प्रयोग हुआ इसका? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ, तो ये क्या कहलाया? सर्वनाम। आगे देखते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे विशेषण कहलाते हैं। तो यहां पर कैसे विशेषता बताई जाती है, एक बार देख लेते हैं। राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहां पर लड़का क्या है? नाउन है, मतलब कि संज्ञा है, और अच्छा क्या है? उसकी विशेषता है। तो ये अच्छा शब्द किसकी विशेषता बता रहा? लड़के की विशेषता बता रहा, अर्थात राम की विशेषता बता रहा। तो अच्छा शब्द क्या हुआ? विशेषण हुआ। तो ये था आपका विशेषण। एक है इसी प्रकार से क्रिया, नंबर चार पर आएगी क्रिया। अब क्रिया शब्द आपने सुना होगा, जो भी काम किया जा रहा है, जो भी विधान हो रहा है, वह क्रिया कहलाता है। जो भी वस्तुओं के संबंध में विधान को, वस्तुओं के संबंध में विधान को क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब देखिए, कई बार बच्चों को ये बिल्कुल टेक्निकल भाषा में लिख दिया मैंने, समझ में नहीं आएगा। तो इन शॉर्ट, जो भी आप काम कर रहे हैं वो क्रिया होती है। मैंने खाना खाया, ये क्या है? क्रिया है। मैं जिम गया, ये भी क्रिया है ना? चलिए, आजकल तो बंद ही पड़ा है। तो क्रिया क्या है? कोई भी जो काम किया जा रहा है वह क्या होगी? क्रिया होगी। आते हैं पांचवें भेद पर, और पांचवा भेद है प्यारे बच्चों इसका अव्यय। ये काफी आजकल इंटरेस्टिंग टॉपिक बना हुआ है, और एग्जाम में काफी हद तक इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नंबर पांच क्या है? अव्यय। अव्यय को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अव्यय को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर क्या है, आगे बढ़ते हैं। नंबर पांच पर बात हो रही है अव्यय की।
अब ये अव्यय क्या होते हैं, ये एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अव्यय के भी पांच भेद होते हैं, मतलब अव्यय के भी चार पांच रूप होते हैं, जिन्हें हम जब पढ़ेंगे, जब अव्यय को हम पढ़ेंगे बहुत डीपली। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर विकार उत्पन्न नहीं होता है। विकार मतलब कि चेंज, परिवर्तन, विकार उत्पन्न नहीं होता है, वह अव्यय कहलाते हैं। वह अव्यय कहलाते हैं। वो क्या होते हैं आपके लिए? अव्यय होते हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कह देते हैं? अव्यय शब्द कह देते हैं। हमने किसी से कहा यहाँ आओ, तो यहाँ शब्द क्या हुआ? आपके लिए अव्यय हुआ भी, ठीक है ना? तो ये पढ़े हमने पांच भेद, किसके? पद के। तो पद के कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं, जिनके बारे में हमने जाना है। देखिए होता क्या है कि एक वाक्य में इन पांचों पदों का प्रयोग होता है। कई बार पांचों पदों का प्रयोग होता है, कई बार चार पदों का प्रयोग होता है, कई बार तीन का भी होता है, ठीक है ना? पर इन पांचों से ही जो अभी हमने सीखे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इन पांचों से ही मिलकर एक वाक्य का निर्माण होता है। तो आपको एक वाक्य के अंदर ये कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। मैं एक वाक्य लिखता हूँ और उसे आप पहचानना और उसके अंदर शब्दों को पहचानना, उसके बाद हम पढ़ेंगे संज्ञा आज ही, ठीक है ना? तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि कैसे है। एक वाक्य है, अरे मुख्य अतिथि आ गए, अरे मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि आ गए और तुम अभी भी आईने के आगे या सामने बैठी हो। हमने क्या लिखा? अरे मुख्य अतिथि आ गए और तुम अभी तक आईने के सामने बैठी हो। अभी तक आईने के सामने बैठी हो, क्लियर है? तो अब आपको बताना का एक बार बस ये बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर कहाँ कहाँ पर कौन कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से शब्द का प्रयोग होता है। अब जैसे सामने लिखा है अरी, क्या लिखा है हमारे सामने? एक शब्द लिखा है अरी, तो अब हमें पता होना चाहिए कि अरी शब्द कौन सा है। यह है विस्मयादि बोधक। कौन सा शब्द है ये प्यारे बच्चों? विस्मयादि बोधक। कौन सा शब्द है? विस्मयादि बोधक शब्द, क्लियर है ना? तो विस्मयादि बोधक क्या होता है? जिसके अंदर हमें कुछ आश्चर्य हो, सुनकर दुख हो, या कहीं पर हम चौंक जाएं, या किसी को संबोधित करें, तो ये क्या है? अरे, तो ये क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है, और ये होता क्या है? अव्यय है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, क्लियर है? ये सारी डिटेल पढ़ेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं इस क्लास को लेने के बाद, संज्ञा से अव्यय तक पढ़ने के बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आपसे, किसी भी सूरत में नहीं छूटेगा, क्योंकि जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, मैं जानता हूँ एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हो सकता है कुछ बच्चों सोचे बहुत लेंथी है, लेकिन जिन बच्चों की लेंथी लगे उनके लिए एक बात है कि कभी कोई टेस्ट देकर देखना। अरे कभी कोई टेस्ट क्या, हर सुबह हम लोग 6 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट डालते हैं, उसे देख के देख लेना, पता चल जाएगा कितना आता है और कितना नहीं आता है। जिन बच्चों को लगता है ना कि उन्हें संज्ञा आता है, या जिन बच्चों को लगता है हिंदी आती है, सुबह का प्रैक्टिस सेट दें और पता चल जाएगा। अगर सुबह को जो प्रैक्टिस सेट हो रहा है उसमें 25 क्वेश्चन हैं और आपके 20 आ रहे हैं, तो समझ लो ये अच्छे नहीं है, क्योंकि बच्चे ऐसे ऐसी तैयारी करे बैठे हैं जहां पर उनके 23, 24 या 25 नंबर आएंगे। और जब भैया जब हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 25 में से 25 नंबर आ सकते हैं, तो 20 में क्यों संतुष्ट हो जाएं? 20 में हम क्यों संतुष्ट हो जाएं? प्रश्न तो ये उठता है। इसीलिए डेली सुबह को उठें, एक प्रैक्टिस सेट करें, कुछ नहीं जाता, 15 से 20 मिनट का प्रैक्टिस सेट है, चुटकियों में हो जाएगा, बस लिटे लिटे देखना है और समझना है, अपने आंसर देने हैं, बहुत छोटा सा ये काम होगा आपका।
तो हमने यहाँ सीखा ये क्या है, ये विस्मयादि बोधक है। अगला शब्द लिखा है मुख्य। अब मुख्य क्या है साहब, ये मुख्य जो शब्द है यह है विशेषण, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है आपको, ये बता रहा है आपको अतिथि के बारे में। तो अतिथि क्या है आपके लिए, संज्ञा। बात समझ रहे हो ना, देखो यही चीज देखनी है। अरी क्या हुआ, विस्मयादि बोधक, मुख्य क्या हुआ, विशेषण, अतिथि क्या हुआ, एक संज्ञा हुआ, और ये आ गए, ये क्या हुई, क्रिया हुई, कोई काम हुआ है, ये क्या हुआ, क्रिया हो गई आपके लिए। देख रहे हो ना, आपको हर एक शब्द का मैं विश्लेषण करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि पता चल जाए कि कैसे कैसे इन शब्दों का प्रयोग हिंदी के अंदर किया जाता है। अब अगला शब्द है आपके सामने और ये होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, ये समुच्चय बोधक क्या होता है सर जी, समुच्चय बोधक होता है दो वाक्यों को जोड़ने वाला। समुच्चय बोधक अव्यय है ये भी एक, और ये क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो देखो दो वाक्य कौन से, मुख्य अतिथि आ गए और तुम अभी तक आईने के सामने ही बैठी हो, तो इस वाले वाक्य को मुख्य अतिथि आ गए और तुम अभी तक आईने के सामने बैठी हो, इन दोनों को कौन से शब्द जोड़ रहा है, और, तो ये क्या हुआ समुच्चय बोधक अव्यय, ये भी एक क्या है, अव्यय होता है। अगला शब्द है तुम, और तुम कैसे शब्द है बेहारे बच्चों, ये तुम जो शब्द होता है ये होता है आपका सर्वनाम, ये क्या होता है, ये होता है हमारा सर्वनाम। अब आप देख रहे हो हमने एक भी शब्द अभी तक नहीं छोड़ा है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे करते चल रहे हैं। अगला शब्द है आपका अभी तक, और ये होता है आपका क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो ये क्या होता है आपका क्रिया विशेषण अव्यय, ये भी क्या है एक अव्यय है। जब आप अव्यय को पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे। उसके बाद लिखा है आईने के सामने बैठी हो, आईना, आईना तो क्या है भैया, एक वस्तु है और वस्तु एक नाम है, तो ये क्या हुआ आपका संज्ञा, ये शब्द क्या हुआ एक संज्ञा शब्द हुआ, ये क्या हुआ संज्ञा, के सामने बैठी हो संबंध बोधक, संबंध बोधक, समझ में आ रही है ना बात। देख लो कितने आराम से हम हर एक को डिफाइन करते हुए चल रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और भैया बैठे हो, बैठा होना क्या है, एक क्रिया है, क्या है एक क्रिया है। अब ये मत कहना सर क्रिया तो दो आ गई, भैया एक वाक्य में दो क्रिया हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो सर्वनाम हो सकते हैं, दो संज्ञा हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर कौन सा शब्द क्या है ये आपको शायद बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ये सब चीजें आप पढ़ेंगे, विस्मयादि बोधक, विशेषण, संज्ञा, क्रिया, समुच्चय, क्रिया, सर्वनाम, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, संज्ञा, सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल के साथ पढ़ेंगे, पर आज जो डिटेल शुरू होने वाली है वो है संज्ञा। तो अब शुरू करते हैं हम संज्ञा को आज की। बहुत ही मजा आया होगा, जहाँ अच्छे से आपने सीखा होगा, इतना मजा आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, एक नया तरीके से सीख रहे हैं, तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, दिखाइए उन्हें हमारी वीडियो। तो आज का टॉपिक संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, क्या कहते हैं नाउन, परिभाषा दोबारा नहीं लिख रहे, बस बोल देते हैं जिस स्थान या किसी वस्तु का जो नाम होता है वह संज्ञा कहलाती है। अब वो नाम चाहे जो भी हो, वो स्थान चाहे जो भी हो, पर ये स्थान नाम कुछ भी चीज़ जो हैं ये सब क्या है, इन्हें बांटा गया है कैटेगरी में। जैसे कि किसी का नाम ले लीजिए, मान लेते हैं किसी का नाम है मनीष, तो मनीष क्या है, मनीष यहाँ पर एक संज्ञा है, ठीक है ना। अब हमने कहा स्टूल, स्टूल क्या है, ये भी एक संज्ञा है, पर मनीष अलग प्रकार की संज्ञा है और स्टूल एक अलग प्रकार की संज्ञा है। जैसे कि मनीष की बात करें तो ये नाम बोधक है, क्या एक नाम है, प्रॉपर नाम, ठीक है ना। पर स्टूल क्या है, एक जातिवाचक है, जितने भी स्टूल है सभी की बात हो रही होगी कि स्टूल, तो स्टूल तो सब एक जैसे, लेकिन हमने बोला मनीष, तो मनीष क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन हुआ, मतलब कि एक नाम बोधक संज्ञा हुई। लेकिन मैं मनीष के स्थान पर बोलूं लड़का, तो लड़का कैसा हुआ, जातिवाचक संज्ञा हुई, जातिवाचक संज्ञा, क्यों, लड़का का मतलब तो पूरी दुनिया के लड़के हो। संज्ञा कहते हैं किसी नाम को ही संज्ञा कहते हैं, किसी नाम को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, संज्ञा कह देते हैं। अब संज्ञा के कुछ प्रकार होते हैं, संज्ञा के कुछ प्रकार होते हैं, तो जो सबसे पहला प्रकार आता है वो आता है व्युत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के
व्युत्पत्ति के आधार पर। अगर हम बात करते हैं कि भाई संज्ञा कितने प्रकार की होती है व्युत्पत्ति के आधार पर, तो मैं आपको बता दूं कि भैया संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। सर जी कौन कौन से होते हैं तीन प्रकार? अब मैं बता दूं, अगर आपने शब्द भेद का चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, हमारी वीडियो देखी अच्छे से, तो आपको पता होगा ये तीन शब्द कौन कौन से हैं। इनकी मैंने पूरी व्याख्या कर रखी है। ये होते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं योग रूढ़। अब इन तीनों की अच्छे से व्याख्या कर रखी है हमने किसमें? शब्द भेद के चैप्टर में। क्लियर है ना? पर फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। जो ये रूढ़ शब्द होते हैं इनका विखंडन नहीं हो सकता। इनका क्या नहीं हो सकता? टुकड़े नहीं हो सकते। विखंडन नहीं हो सकता, टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है ना। जो यौगिक शब्द होते हैं इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, अर्थात ये कहीं ना कहीं संधि के जैसे होते हैं। संधि शब्द आ जाते हैं योगरूढ़। योगरूढ़ कैसे शब्द होते हैं? ये होते हैं बहुव्रीहि समास वाले शब्द। कौन से? बहुव्रीहि समास वाले, मतलब जिनके जिनका शब्द तो कुछ और है, मीनिंग कुछ और है और अर्थ कुछ और कहना चाह रहा है। अच्छा, मीनिंग अर्थ एक ही बात हो गई, मतलब कि पर्टिकुलर मीनिंग कुछ और है पर ये इशारा किसी और की तरफ कर रहे हैं। जैसे कि दशानन, दशानन का पर्टिकुलर मीनिंग होता है दसर वाला, परंतु दशानन किसके लिए यूज होता है? रावण के लिए। तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? योगरूढ़ शब्द। तो हमने सीखा जो संज्ञा है व्युत्पत्ति के आधार पर वो कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की है। और वो हमारे जो तीन प्रकार हैं वे कौन कौन से हैं? वो हैं रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो ये हुए हमारे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। आगे की संज्ञा है हमारी अर्थ के आधार पर संज्ञा। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अब बात आ जाती है कि सर अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है? तो भैया अर्थ के आधार पर संज्ञा पांच प्रकार की हो सकती है आपके पास। कितने प्रकार की है? पांच प्रकार की। अब ये पांचों प्रकार बहुत ही ज्यादा मेन होते हैं जिन्हें हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। बस आज ही समझ लिया कि व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के होती है संज्ञा। यहाँ पर आपने अर्थ के आधार पर ये पांच प्रकार की हमारे पास संज्ञा होती। नंबर वन पर आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी आती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर दो पर आती है जातिवाचक संज्ञा। नंबर तीन पर आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर चार पर आती है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और नंबर छह पर आती है, सॉरी नंबर पांच पर आती है भाववाचक संज्ञा। तो हमने देखा हमारे पास पांच प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। आज इन्हीं के बारे में हम लोग क्या करेंगे? क्लास में जानेंगे। तो अब जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो करने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से। क्लियर है? ये तीनों हम पढ़ चुके हैं शब्द भेद के अंदर, तो इन्हें हम नहीं पढ़ेंगे अभी दोबारा। हम शुरू करने वाले हैं अर्थ के आधार पर जो संज्ञा होती है वो पांच प्रकार की होती है, और पांच प्रकार में पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब आप जानेंगे कि संज्ञा कितना अच्छा है, और इसे एकदम अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा आज, बिल्कुल अलग तरीके से, जहां मजा आता चला जाए आप लोगों को। नंबर एक आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो किसी व्यक्ति अथवा स्थान का बोध कराए, अथवा स्थान का बोध कराए, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, इसके अंदर कोई भी नाम हो सकता है, चाहे फिर वो नाम कुछ भी हो। हम अगर बात करते हैं व्यक्ति की, तो हमने बोला मनीष, हमने बोला अंशुल, ठीक है ना, हमने बोला दीपा। ये कैसे हुए? व्यक्तिवाचक नाम हुए किसी व्यक्ति के। मैंने बोला लखनऊ, ये क्या हुआ? किसी स्थान का नाम हुआ, है ना। तो ये आपको क्या दिखा रहे हैं कि ऐसे नाम हैं
जो व्यक्तियों के हो सकते हैं, व्यक्तियों के हो सकते हैं मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस का एक नाम है। देखिए दुनिया में बहुत सारे शहर हैं, उन शहरों को अगर हम डिफाइन करें प्रॉपर तरीके से, जैसे हम कहें कि यार मैं एक शहर घूमने गया था एक बार, तो हम कहेंगे प्रॉपर बता कौन से शहर गया था, प्रॉपर तरीके से बता, तो हम बताएंगे कि हम मैं गया था लखनऊ। तो इसीलिए क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब कि प्रॉपर नाउन है। कई बार सुना हुआ है प्रॉपर बात बताओ क्या है, ऐसे सुना हुआ तो ये क्या है, मैंने कहा हाँ एक शहर गए थे, तुमने कहा कि प्रॉपर बता कौन सी जगह गए थे, कि भाई लखनऊ गए थे। जैसे कि हम घर से गए, तभी घर से निकलते ही घर से निकले और थोड़ी देर बाद घर आ गए, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, तो घर पर आकर पिताजी ने पूछा कहाँ गया था, कि पापा बस यहाँ तक, यहाँ तक कहाँ पापा, दोस्त कौन से दोस्त के यहाँ, नाम बताओ उसका, किसके यहाँ गया था, पापा मनीष के यहाँ गया था। तो ये क्या हुआ, जब ये बात हुई कि किसके यहाँ गया था, प्रॉपर बात आ रही है ना, तो आपने डिफाइन करा कि किसके यहाँ गया था, मनीष के यहाँ गया था मैं। तो ऐसे में क्या होगा, ये कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे इसीलिए प्रॉपर नाउन भी कह दिया जाता है इंग्लिश में। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कितने अच्छे से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, देखने वाली बात है। अब इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन बनते हैं, इन कन्फ्यूजनों को अभी दूर करेंगे और अभी जो हम देखेंगे एक नया तरीका देखेंगे एकदम फ्रेश। तो ये क्या हुआ, आपका प्रॉपर नाउन हुआ, मनीष बाजार जा रहा था, ये क्या हुआ प्रॉपर नाउन हुआ, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई जहां पर कोई भी नाम है। जैसे मान लो आपके घर एक, कई बार आपने देखा होगा कि आपने वो तो देखा ही है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें भिड़े एक करेक्टर है और भिड़े के पास एक स्कूटर है, क्या है स्कूटर। अब जो स्कूटर है, देखिए अगर मैं कहूं स्कूटर तो ये कैसा हुआ जातिवाचक, कैसा हुआ जातिवाचक संज्ञा। पर आपने देखा होगा उसने अपने स्कूटर का क्या रखा है, नाम रख रखा है, क्या नाम रख रखा है, सखाराम, सखाराम। अगर आप सखाराम बोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, बात समझते हैं। अगर आप बोले स्कूटर तो भाई सारी दुनिया का स्कूटर, लेकिन आप बोलेंगे सखाराम तो सखाराम तो केवल उसी के स्कूटर का नाम है, और ऐसे में क्या हो गया, ये क्या बन गया व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। आइए इसे एक बार डिफाइन करते हैं बहुत अच्छे से, आज आपके दिमाग में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक की एक छवि ऐसी छप जाएगी कि मजा आ जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो बराबर लाइक और शेयर करते रहें, इतना शर्माना, और सब्सक्राइब कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। तो बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की, जो जातिवाचक, सॉरी जातिवाचक संज्ञा, जो जो संज्ञा, जो संज्ञा एक प्रकार की, एक प्रकार की पूरी जाति का बोध कराती हूँ या ज्ञान कराती हूँ, कराती हो उसे जातिवाचक, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं जातिवाचक संज्ञा का नाम दे दिया जाता है। अब वे जातिवाचक संज्ञा कुछ भी हो सकती है, देखो मैंने कहा नदी, मैंने कहा नदी, तो नदी कैसा शब्द है जातिवाचक, कैसा शब्द है जातिवाचक, पर मैंने कहा गंगा नदी, अब ये क्या हो गया, ये बन गया व्यक्तिवाचक। क्यों बन गया व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहां पर नाम आ गया एक, बात समझना, जब मैंने कहा नदी तो पूरी दुनिया की नदी, क्योंकि ये एक प्रकार की पूरी जाति का बोध कराता है, तो पूरी दुनिया की नदी, लेकिन मैंने नाम दे दिया गंगा नदी, तो मैंने पूरी दुनिया की नदी से इसे अलग प्रॉपर तरीके से रख दिया, क्या कहकर गंगा नदी। तो ये क्या बन गया व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, अब इन दोनों को देखिए, बहुत ही इन दोनों में एक संबंध है, इस संबंध को समझना ही हमारे लिए सबसे बड़ा खेल होगा। होता क्या है समझेंगे, पहली बात तो देखते हैं एग्जाम्पल में कैसा आएगा, ठीक है ना। एक सेंटेंस आया कि, और लिखा है राम के आने के बाद मनीष को उसका घर खाली करना पड़ा, खाली करना पड़ा। आपसे पूछेगा बताइए इसमें कहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आप कहेंगे दो जगह, कैसे बताएंगे नाम से,
क्या से बताएंगे? नाम से। कितने स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है? दो स्थान पर। पहली बात पूछा है कि कौन सा जातिवाचक है, तो लिखा होगा आंसर में राम कोमा मनीष, ठीक है। तो इसे आप पहचान लेंगे क्या है जातिवाचक, पर इतना आसान तो नहीं आता सर जितना आपने बता दिया। हाँ मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं आता, आइए अभी देखेंगे तब पता चलेगा। एक मैंने यहाँ दिया एग्जाम्पल और मैंने यहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों कि पहाड़ों पर जुलाई के महीने में जाना घातक हो सकता है। तो अब पूछा जाए बताइए इसमें जातिवाचक कौन सा है, तो जातिवाचक है पहाड़। जातिवाचक क्या है? पहाड़। और इसी में पूछ लिया जाए भैया व्यक्तिवाचक कौन सा है? जुलाई, क्योंकि जुलाई एक पर्टिकुलर नाम है। फिर से एक और जातिवाचक महीने, क्योंकि कौन से महीने की बात है वो तो पीछे होगी, लेकिन महीना शब्द कैसा है? जातिवाचक। तो हमें ये पहचाना कि ये जातिवाचक है ये व्यक्तिवाचक है। अभी आप व्यक्तिवाचक को पहचान लेंगे, अब आती है असली बात। अभी मैं यहाँ पर एक वाक्य लिखता हूँ, उसे आप पहचानना कि उसके अंदर कौन सा शब्द जातिवाचक है और कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है, ठीक है ना। मैंने लिखा कि विराट कोहली आज का सचिन है। अब आपसे पूछा जाए बताइए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, पूछा जाए कि बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। क्या पूछा जा रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आपका आंसर है कि सर इसके अंदर व्यक्तिवाचक है विराट कोहली और सचिन, तो मैं बता दूं अब यहां पर आपका आंसर हो जाएगा गलत। यही चीज सीखनी है, यहां आंसर हो जाएगा गलत। और मान लो ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन ए है आपके पास विराट, मतलब कि विराट कोहली, दूसरा ऑप्शन है सचिन, तीसरा ऑप्शन है विराट और सचिन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर आपने लगाया विराट और सचिन, क्योंकि दोनों नाम हैं, तो आपने लगाया विराट और सचिन, तो ये भैया गलत हो जाएगा। पर सर अभी तो आपने बताया कि जो नाम होगा वो क्या होगा आपके लिए? व्यक्तिवाचक होगा। पर यहाँ पे बता दूँ आंसर होगा सिर्फ विराट। अब ऐसा क्यों हुआ ये समझना है, क्योंकि इस समय ये जो है ये जातिवाचक है, पर सर आपने तो बताया था कि जातिवाचक शब्द तो वो होते हैं जो पूर्ण रूप से नाम ले लिए जाएं, जैसे कि सचिन के स्थान पर लड़का लिखा हुआ होता, तो ये तो एक नाम है सचिन तेंदुलकर का, तो ये तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए। पर ये कैसा जातिवाचक? क्यों? जब हम किसी एक नाम के सहारे से दूसरे नाम को रिप्रेजेंट करते हैं सहारे से, तो उस समय वह नाम क्या होता है? जातिवाचक होता है। क्लियर है या नहीं? देखो जैसे कि विराट कोहली आज का सचिन है, क्या ये सचिन है? नहीं है, सचिन अलग व्यक्ति है, ये अलग व्यक्ति है। पर हमने सचिन की क्या दी? उपमा दी है, उदाहरण दिया है। तो ऐसे समय पर सचिन क्या कहलाएगा? जातिवाचक। जैसे कि मैं कहूं आज के युग में हरिश्चंदों की कमी नहीं है। अब देखिए हरिश्चंद क्या है? हरिश्चंद तो सर एक नाम है, राजा हरिश्चंद का नाम आपने सुना होगा, पर यहाँ पर हरिश्चंद का मतलब कोई नाम से नहीं है। हरिश्चंद का मतलब यहाँ पर तो ऐसे लोगों से है जो हरिश्चंद की तरह काम करते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ भी सचिन के जैसा काम कर रहा है, ये सचिन नहीं बना है, ठीक है ना। यहाँ पर सचिन की बात हो रही है, तो सचिन के जैसा खेल रहा है, समझ में आई बात है भी? जैसे कि आज के युग में हरिश्चंदों की कमी नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो आप आ रहे थे और आपने क्या करा, पुलिस वाले को 100 रुपये की रिश्वत देकर वहां से बच के निकल गए, हेलमेट नहीं था, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, बचना चाह रहे थे, बच के निकले नहीं, बचना चाह रहे थे, तभी आपका दोस्त जो बाइक पे पीछे बैठा वो उतर के खड़ा हो गया, कह रहे भाई साहब ये क्या कर रहे हो, तो भ्रष्टाचार है और हम लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे सकते। पुलिस साहब आप एक काम करो, हमारा चालान काट दो। तो ऐसे में जो बाइक चला रहा था दोस्त, वो क्या कहेगा अपने दोस्त से जिसने हरकत करी ईमानदारी वाली, कि यार हद है, आजकल हरिश्चंदों की कमी नहीं है, बात समझ में, कि आजकल हरिश्चंदों की कमी नहीं है। तो ये क्या हुई? उपमा हो गई। अब हरिश्चंद थोड़ी ना बन गया लड़का,
पर उन्हें हरिश्चंद्र जैसी सच्चाई वाली हरकत करी, तो ऐसा उपमा दी जाती है, उदाहरण दिया जाता है। तो जब ये उदाहरण दिया जाता है तो ये क्या कहलाया जाता है? जातिवाचक। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्तिवाचक शब्द जातिवाचक शब्द में बदल जाता है। इन्हें पहचानना बहुत आसान होता है, बिल्कुल आसान तरीके से आप इन्हें पहचान सकते हैं, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल है, देश को जयचंदों से हानि होती है। मैंने लिखा देश को जयचंदों से हानि होती है। अब जयचंद यहां पे कोई नाम नहीं है, जयचंद ऐसा व्यक्ति है जो गलत हरकत करता है या फिर कुछ अच्छे भाषण नहीं देता है, कुछ भी समझ लो। तो हमने क्या कहा, जय इसको जयचंदों से हानि है। तो ये क्या कहला, क्या बना यहाँ पर? जातिवाचक। वैसे तो देखने में क्या है, व्यक्तिवाचक है क्योंकि कोई नाम लग रहा है, पर ये क्या है आपके लिए इस समय, ये जातिवाचक शब्द बना हुआ है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट था व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आप लोगों के लिए। कई बार बच्चे ना हल्के में पढ़ के निकल लेते हैं, पर जब गहराई में उतरेंगे तो ये आप पाएंगे कि कुछ इस तरह से इसके शब्द भी हो सकते हैं। चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं आगे के, कि क्या क्या इसके अंदर और भी एग्जाम्पल छुपे हुए हैं। बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा, एक नई चीज़ सामने आ रही होगी, नया नज़रिए से पढ़ रहे होंगे। और जब पढ़ रहे हैं इतना अच्छे से तो भैया कर दो लाइक। जैसे हम बोल सकते हैं राम चरितमानस हिंदुओं की बाइबिल है। अब ऐसे में रामचरितमानस क्या है बताइए आप? व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक। और ये बाइबिल वैसे तो व्यक्तिवाचक है, पर इस समय क्या बन गई है? ये जातिवाचक। क्या बन गई है? जातिवाचक। अब आई होप आपको ये वाला टॉपिक बहुत ही क्लियर हो गया हो कि यहाँ पर कैसे हैंडल करना है। मतलब कि ऐसा नहीं कि नाम को देखते लगा दे कि ये व्यक्तिवाचक है और ले भैया गलत हो गया, ठीक है ना। इस चीज़ में बड़ा संभल के चलना है, ठीक है। आओ और एग्जाम्पल देख लेते हैं बहुत अच्छे अच्छे। अब जैसे कभी कभी ऐसा हुआ, अभी हमने क्या देखा कि व्यक्तिवाचक किस में बदल रहा है? जातिवाचक में। तो भैया ऐसा भी तो होता होगा जब जातिवाचक ना व्यक्तिवाचक में बदलता होगा। किस में बदलता होगा? व्यक्तिवाचक में बदल जाता होगा। ऐसा भी तो होता होगा, नहीं होता होगा? अभी हमने क्या देखा कि व्यक्तिवाचक जातिवाचक में बदल जाता। अभी हमने ना संज्ञा के अर्थ के आधार पर पांच भेद होते हैं, हमने सिर्फ दो भेद पढ़े हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अभी हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं और इसे इतने अच्छे से सॉल्व करेंगे कि कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ना ही होगा गलत। और ये मेरी गारंटी है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, एकदम क्रांतिकारी तरीके से धुआं धुआं कर देंगे सब कुछ, मजा आ रहा होगा। आओ देखते हुए चलते हैं। तो ऐसा भी होता होगा कि जब जातिवाचक शब्द व्यक्तिवाचक में बदल जाता होगा, या फिर जातिवाचक शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक की तरह किया जाता होगा। देखते हैं ये कुछ एग्जाम्पल इसके भी। मैंने लिखा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अब यहां पर मैंने पूरा नाम ना लिख के केवल उनकी जाति का नाम लिख दिया, गोस्वामी। समझना, मैंने इनका पूरा नाम ना लिखकर क्या लिखा, सिर्फ गोस्वामी लिखा। तो गोस्वामी वैसे तो एक जाति है ना, कोई नाम नहीं है, पर इस समय हमें साफ साफ पता है कि ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। क्यों है ये व्यक्तिवाचक, समझना। वैसे तो गोस्वामी हुआ है ना, शर्मा है, मान लो मेरा नाम है शर्मा, लगाता हूँ नाम के एंड में, ठीक है ना। तो शर्मा क्या है, एक जाति है, ठीक है, एक जाति है। शर्मा बोलें तो सभी शर्मा, जब तक कि इसमें मेरा पहला पूरा प्रॉपर नाम ना जोड़ा जाए, जब तक कि ये वो नहीं बनेगा व्यक्तिवाचक। सिर्फ शर्मा बोला जाए तो क्या होगा, ये होगा व्यक्तिवाचक, सॉरी जातिवाचक होगा शर्मा। ऐसी गोस्वामी क्या है, एक जातिवाचक है, कायदे में क्या है, जातिवाचक शब्द है। वर्मा जातिवाचक है, ये सब क्या, जातिवाचक है। लेकिन इस समय इसे जातिवाचक ना समझकर क्या समझा जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि गोस्वामी का पूरा नाम क्या है, क्या है, गोस्वामी तुलसीदास। तो हमने सिर्फ गोस्वामी लिख के काम चलाया, वैसे तो गोस्वामी क्या है, जातिवाचक हुआ, लेकिन इस समय किसकी तरह यूज हो रहा है, व्यक्तिवाचक की। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे कि आपको यहां पर और ज्यादा मदद समझने में मिल जाएगी। मैंने लिखा पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। क्लियर है बात समझ में? अब क्या,
पंडित जी थे? नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, समझना कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन मैंने क्या लिखा, सिर्फ पंडित। तो कहने के लिए अगर मैं सिर्फ पंडित लिख दूं कहीं भी, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जातिवाचक को। किसे? जातिवाचक को। सभी पंडितों की बात करेगा ये, पर यहाँ पर ये जातिवाचक ना होकर किसके लिए काम कर रहा है, व्यक्तिवाचक के लिए, क्योंकि हम जानते हैं इनका पूरा नाम क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस चीज़ को समझ में आ रहे होंगे कि कैसे जातिवाचक शब्द का प्रयोग भी व्यक्तिवाचक के रूप में हो सकता है, और इससे पहले अभी अभी हमने समझा व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक के रूप में कैसे हो सकता है। तो इस चीज़ को आप बहुत ही आराम से समझेंगे बैठ करके, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा मन को शांत करके समझेंगे, और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी ये दोनों ही बातें। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अभी बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ में आ गया होगा जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बाद कुछ भी नहीं बचता इन दोनों संज्ञाओं के अंदर, कुछ भी नहीं बचेगा, बहुत आराम से कर पाएंगे। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।